छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मड़ईगुड़ा के लिंगनपल्ली में सीआरपीएफ के कैंप में एक सीआरपीएफ के जवान अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस घटना में चार जवानों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वही इस दर्दनाक घटना में एक जवान कैमूर का भी शहीद हो गया था। शहीद जवान की पहचान धनजी सिंह के रूप में हुई है, जो नुआव गाँव थाना क्षेत्र का है और एकती गाँव निवासी है। शहीद धनजी सिंह महेंद्र सिंह के पुत्र हैं। शहीद धनजी सिंह का शव उनके गांव आने से पहले नुआव प्रखंड से ही 6 किलोमीटर तक पूरे रास्ते में तिरंगा झंडा के साथ लोग कतार में खड़े थे। उनके गुजरते शव को वाहन के पास ग्रामीण भारत माता की जय के नारे लगाते हुए धनजी सिंह अमर रहे का नारा लगाते रहे। जगह जगह लोगों ने वीर जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए विदाई दी। 11 नवम्बर को अपने घर वापस आने वाले थे। रविवार की रात करीब 8:30 बजे बेटे सुकुंदर उनकी बात भी हुई। बेटे ने बताया कि सब हालचाल ठीक है, छुट्टी लेकर 11 नवंबर को वो घर पहुंच जाएंगे। वहीं सुबह होते ही मेरे बेटे की मरने की खबर आई है। उनका परिवार चाहता है कि सरकार उनके बच्चों की परवरिश के लिए पत्नी को नौकरी दे, जिससे कि बच्चों का पालन पोषण हो जाए। लगा हुआ है, गांव वाले लगाए हैं। जी जी, पूरा गांव वाले ही लगाए हैं। यहां से हम लोग करीब 6 किलोमीटर दूर नुआ बाजार है, नुआ बाजार तक हम लोग तिरंगा लगाए हैं उनके सम्मान के लिए। और वहाँ यहाँ से अब करीब 200 मोटरसाइकिल और 50 चार चक्का उनके सम्मान में हमको रिसीव करने हम लोग जाने वाले हैं। उनको तरह का दिक्कत नहीं था। कितने भाई थे? 3 भाई। और लोग क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, माता पिताजी तो किसान हमारे 138 अरुणाचल प्रदेश में थे। इस समय मैं ट्रांसफर हो गया है 179 सोपुर में, श्रीनगर में हुआ है, अभी वहीं पे जाने वाला था मैं। इनसे लास्ट बार आप लोगों की बातें कब हुई थी, क्या बोले थे कब आने के लिए? सर हमको 9:47 पे उनसे बात हुआ और 10:24 तक हुआ। कितने तारीख को? कल ही हुआ है, कल ही आपका, कल ही रात को मेरे से हुआ है ये घटना होने से पहले। सोमवार कल ही रात को हुआ है उनको, घटना होने से पहले हुआ था। हम उनसे 30-35-40 मिनट बात हुआ, वो यही बोल रहे थे कि हम बोले कि छुट्टी आना है 12 तारीख को, बोले कि छुट्टी तो मैंने मिल सकता है, नहीं तो 5-7 दिन आगे पीछे भी छुट्टी हो सकता है। उनकी शादी हो गई थी सर 2014 में हुआ था। बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। कितने बड़े बड़े? एक लड़की जो है 6 साल की है, लड़का जो है 3 साल। इस बार वो छुट्टी आने वाले थे, छठ वगैरह हो रहा था घर में। हाँ सर, हो रहा था, छठ हो रहा था, उसी में आने वाले थे, लेकिन वो छुट्टी उनको 12 तारीख की मिली थी, 6 में नहीं आ पाए। 3 तारीख को बोल रहे थे, 3 तारीख को मैं वहाँ से चलूँगा। कौन छठ कर रहा था, उनकी माँ या पत्नी? पत्नी कर रही थी। पत्नी उनकी पत्नी हमारी पत्नी सर।